नमस्कार, आप देख रहे हैं आई न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठाणी। वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और ऐसे में सभी फैंस की नजर अपनी क्रिकेट टीम्स पर है। भारत के भी तमाम फैन भारत टीम की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में सबकी नजर है कि भारत किस तरह से इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी देश में लेकर आता है। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड कप की, तो तमाम ऐसी टीम्स अपनी पुरजोर कोशिश कर रही हैं, तमाम टीमें अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन स्ट्रेटेजीज की बात करें तो यहां पर पेच फंसते हुए दिख रहे हैं। यहां पर बात करूंगी पाकिस्तान की, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया तो आने वाले मैचेस का रोमांच यहीं पे आधा हो जाएगा। लेकिन भारत इंग्लैंड में कुछ और नई चीजें देखने को मिलेंगी। अगले मैच पे भारत इंग्लैंड से भिड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन यहां पर भारत का सीधा सीधा मतलब वर्ल्ड कप ट्रॉफी से नहीं होगा, बल्कि भारत का मतलब होगा उस करारी हार से, उस 10 विकेट की शिकस्त से जो इंग्लैंड ने पिछले वर्ल्ड कप में भारत को दी थी, जिस सदमे से भारत आज भी जूझ रहा है। ऐसे में न्यूजीलैंड को भारत पहले ही शिकस्त दे चुका है, पाकिस्तान के चारों खाने चित कर चुका है भारत, और अब वक्त आ गया है कि भारत अपने अच्छे और बेहतर प्रदर्शन से यही हार का स्वाद, यही सदमा इंग्लैंड को भी थे। वही अगर स्ट्रेटेजीज और टीम में किस खिलाड़ी को जगह मिलेगी इस पर बात करें, तो आने वाले कुछ मैचेस में, बल्कि 2 से 3 मैचेस में ऐसा हो सकता है कि आपको हार्दिक पांड्या ना देखने को मिले। ऐसे में अब आपको हार्दिक पांड्या सेमीफिनाले के आसपास ही देखने को मिलेंगे। वहीं अब जिस तरह की पिच आने वाले लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में सेट की गई है, ये हमारे भारतीय स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल पिच है। और ऐसे में अब बात की जा रही है अश्विन को खिलाने की। देखिए, अश्विन आपके सामने भारत टीम के लिए हर बार आपको खेलते हुए दिखेंगे, जहां पर भी टर्निंग ट्रैक्स होने वाले हैं, और इस बार के पिच में भी टर्निंग ट्रैक्स होंगे। ऐसे में ये सोचा जा रहा है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर अश्विनी किसकी जगह पे आएंगे। क्या वो शमी होने वाले हैं, वही शमी जो पिछली बार कमबैक कर आए और मैन ऑफ द मैच जीत के गए, 5 विकेट लेते हैं, 12 मैचेस में 36 विकेट ले चुके हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन उनका था, या फिर सूर्या रहने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ शमी बॉलिंग मजबूत करते हैं तो सूर्या बल्लेबाजी मजबूत करते हैं, तो फिर कौन हो सकता है? क्या वो बुमराह होंगे? बिल्कुल नहीं। बुमराह, मुझे लगता है कि बुमराह को भी जरूर खिलाया जाएगा। इसके अलावा शिराज वर्ल्ड के नंबर 2 बॉलर हैं इस वक्त, क्या शिराज वो होने वाले हैं? ऐसे में तमाम ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तमाम ऐसे सवाल लोगों के सामने हैं कि आखिर अश्विन किसकी जगह लेने वाले हैं। इसके अलावा ईशान और सूर्या के बीच में भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि किसी एक को ही खेलने का मौका मिलेगा। ज्यादा चांसेस यहां पर सूर्या के दिख रहे हैं, हालांकि ईशान लेफ्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन वर्ल्ड कप से पहले देखने को मिला, लेकिन पिछले मैच में सूर्या को मौका मिला और वहां पर एक अनफॉर्चुनेट तरीके से वो रन आउट हो गए, तो शायद उनको एक मौका और दिया जाएगा, क्योंकि सबको उम्मीदें थी कि सूर्या बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में ऐसा कौन बॉलर होने वाला है जिसको यहां पर मौका मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी जो यहां पर स्पिनर्स हैं उनको खिलाया जाने वाला है। कुलदीप और जडेजा की जो प्लेस है वो यहां पर फिट है। इसके अलावा तीसरा जो यहां पर बॉलर होने वाला है, स्पिनर होने वाला है, वो अश्विन है, और वो शायद शिराज की जगह ले सकते हैं। देखिये, बहुत उमदा यहां पर बॉलर है शिराज भारत के, लेकिन यहां पर पिछले मैचेस में उनका प्रदर्शन थोड़ा सा यहां पर वीक रहा। ऐसे में उनको एक मैच का रेस्ट देकर शायद वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एक फिट परफॉर्मेंस दे सकते हैं और वापस रिदम में आ सकते हैं। तो एक रेस्ट के जरिए वो एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, साथ में अश्विन को यहां पर देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अश्विन यहां पर कई तरह के बड़े कीर्तिमान रख सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनिंग कर एक अच्छा स्वाद यहां पर इंग्लैंड को चखा सकते हैं। इसके अलावा भी कई और चीजें यहां पर देखने को हैं। कोहली, विराट कोहली, हम सबके फेवरेट विराट कोहली, यहां पर मास्टर ब्लास्टर सचिन का 49 सेंचुरीज का यहां पर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले जो मैच था उसमें विराट कोहली का प्रदर्शन इस तरह से रहा कि वो सेंचुरी से कुछ रनों से चूक गए। तो एक बार फिर से उनको मौका मिलेगा, यहां पर वो सिद्ध कर सकते हैं, एक नया माइलस्टोन अपने नाम कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा
अच्छी ओपनिंग करते हैं, शुरुआत में डिस्ट्रक्टिव मोड पे रहते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे वक्त तक अपनी पारी नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे में रोहित शर्मा से भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो यहां पर बेहतर प्रदर्शन कर एक लंबे वक्त तक टिकेंगे और इंडिया के नाम और रन जोड़ पाएंगे। तो ऐसे में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अश्विन को यहां पर खिलाया जाना है और ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अश्विन अगर किसी की जगह लेंगे तो आपके हिसाब से वो कौन सा बॉलर होना चाहिए, क्या वो शिराज होने चाहिए, शमी होने चाहिए या फिर सूर्या या ईशान, बताइए।